पुलिस की गैर मयारी तफ्तीश पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लगता है कि पुलिस अब किराए की पुलिस बन चुकी है, पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए कि इदारे की इज्जत होनी चाहिए। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेते हैं। निसार आबिद नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद है। निसार आबिद बताइएगा क्या मामला है ये। आपको बताते चलें, 70 तोला सोना कमेटी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई। पुलिस की गैर मायारी तफ्तीश पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बरहमी का इजहार। निसार आबिद नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जाते हैं। निसार आबिद बताइएगा। जी आज सुप्रीम कोर्ट में 70 तोला सोना कमेटी केस की समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट का गैर मियारी तफ्तीश पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने आज समाप्त की। चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस अगर किराए की अब बन गई है तो पुलिस को अपनी इज्जत बहाल करनी चाहिए, इदारे की इज्जत होनी चाहिए, पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने 10 ग्राम सोने की कमेटी निकालने पर अदा नहीं की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि गिरफ्तार सुनार ने कितने तोले सोना जो है वो कमेटी के जरिए दिया है। मुदई का कहना था कि कमेटी से निकलने वाला 70 तोले सोना नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा यह सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि रियासत करप्शन और स्मगलिंग की मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि केस में असल मुलजिम तो पुलिस जो है को होना चाहिए, पुलिस वाले सोने का सिर्फ अपने मतलब के लिए जो है वो पूछते हैं। चीफ जस्टिस ने कमेटी के मुलजिमान जो है उनके चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कमेटी जो है मुलजिमान को तफ्तीश शामिल करे और इस तरह जो ये मुलजिमान है इनको जो है वो इजारे उनका तफ्तीश करे। जी